जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास टेंथ का आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर वन, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, इसमें हम पूरे 45 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं चैप्टर वन से, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर देखना है हमें। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे दोस्तों? तो एक समाज सुधारक थे मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एनुमेल के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो बस, काउंट काबूर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर ने विक्टर एनुमेल ने को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मेजनी ने किया था, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा, सेडान के युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपवासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान देश का। किसका जी? यूनान। ओके, अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका याद रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हैं, वही जो है जर्मन राइन राज का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी? तो बोर्बो वंश की, याद रखिएगा, बोर्बो वंश की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सेडान के युद्ध। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो सेडान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन एक संस्था है थी, तो जिब्रेलिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था दोस्तों? तो बिस्मार्क दोस्तों कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1829 में की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? कौन था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन रहता था? तो वह ऑस्ट्रेलिया रहता था। ऑस्ट्रिया का नाम सुने हैं, यही विरोधी था, विरोध करता था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी से था, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई थी?
तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में पारित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इसका याद रखिएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो याद रखिएगा इसका आंसर रूस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग इटली का स्थापना किसने किया था जी, कौन किया था, तो मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो याद रखिएगा 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन इसकी स्थापना किस राज ने की, तो याद रखिएगा प्रासा ने की। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के किस राजवंश का शासन था, तो बूर्बो वंश के शासन था। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा मैंग्यार था। हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैंग्यार। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, तो याद रखिएगा फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1810 ईस्वी में कार्बोनेरी की स्थापना हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन किस कहाँ पे संपन्न हुए थे, तो इंग्लैंड में हुए थे दोस्तों। अगला है कि नौ गुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी एवं इटली के समय फ्रांस का शासक कौन था दोस्तों, तो नेपोलियन तृतीय था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्तों, तो पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो कुस्तुनिया की संधि द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की प्रासा का शासक कौन था दोस्तों, तो ये विलियम प्रथम था प्रासा का शासक। अगला है, मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। युवा इटली की संस्था का विकास किसने के विकास युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया दिया किसने किया था स्थापना भी किसने किया था दोस्तों, तो मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, ऐसे लिखना चाहिए था इसको, यंग इटली चाहे युवा इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था, ऐसे इसको समझ लीजिएगा कि यंग इटली या युवा इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन राज की संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो सोडिनिया पिडमाउंट का शासक दोस्तों विक्टर एनोमियल था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था। तो दोस्तों हमने आपको इसमें टोटल 4500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया। अब ये वीडियो कैसा लगा, आगे अगर आपको चैप्टर इस तरह से चाहिए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें।